नौवा सवाल, एक ऊपर उठे हुए चतुर्भुज का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। अब इस अष्टभुज पृष्ठ की आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये अष्टभुजा से घिरी बंद एक आकृति है जिसमें 8 भुजाएं हैं। इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है जिसमें ED की लंबाई है 5 मीटर, BC की लंबाई दे रखी है 5 मीटर और GB की लंबाई दे रखी है 11 मीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। अब हमें इसमें तीन आकृतियां बन रही है, 1, 2 और 3, जिसमें से दो आकृतियां समलंब चतुर्भुज की है और बीच वाली आकृति आयत की है। तो हमें इन तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के तीनों को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज ई एफ बी सी का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र है वो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। तो 1/2 का 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाएं याद रखी, एक भुजाएं रखी 11 और एक भुजा दे रखी 5। तो इन दोनों भुजाओं को हमें जोड़ना है और ऊंचाई दे रखी 4। तो 1/2 इंटू 11 प्लस 5 कोष्टक में इंटू 4 सूत्र में मान रखे सॉल्व करेंगे 2 से इस 4/2 बार, तो कोष्टक में बचा 11 प्लस 5 हो जाएंगे 16, गुणा 2 बचा है तो 2, 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 वर्ग मीटर इस ई एफ डी सी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब बीच वाली आकृति नंबर 2 है आयत की, तो आयत जी एफ सी बी का क्षेत्रफल हमें निकालेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर लंबाई दे रखी 11 मीटर और चौड़ाई दे रखी 5, 11 5 55 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरी आकृति दे रखी है समलंब चतुर्भुज जी बी ए एच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। सूत्र वही है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, 1/2 इंटू समांतर भुजाएं दे रखी 11 प्लस 4 इंटू उनके बीच की जो दूरी दे रखी 4 मीटर दे रखी है। तो 2 को 4 से काटेंगे 2 बार, 11 और 4 को जोड़ेंगे तो 16 और गुणा हो जाएगा 2 में, 16 गुणे 32 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें इस पूरी संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज ई एफ डी सी का क्षेत्रफल, इसमें जोड़ेंगे हम आयत जी एफ सी पी का क्षेत्रफल, इसमें जोड़ेंगे हम समलंब चतुर्भुज जी बी एच ए का क्षेत्रफल, अर्थात इन तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे। तो पहली आकृति का जो क्षेत्रफल आया है 32 वर्ग मीटर है, दूसरी आकृति का जो क्षेत्रफल आया है 55 वर्ग मीटर है और जो तीसरी आकृति का क्षेत्रफल आया है 32, 32 प्लस 55 प्लस 32 को जोड़ेंगे 119 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा।